सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पिछले लगभग एक महीने से दिल्ली में भर्ती थे। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ज्यादा सीरियस होने की वजह से उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लंबे समय तक उनका उपचार चला और मंगलवार को उनकी निधन की खबर आई, जिससे पूरे निमाड़ और खंडवा में मातम छा गया। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से भोपाल लाया गया, जहां बीजेपी कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एम्बुलेंस द्वारा नंदू भैया का पार्थिव शरीर भोपाल से शाहपुर के लिए रवाना हुआ और विभिन्न मार्गों से होते हुए सांसद का पार्थिव शरीर उनके निज निवास बुरहानपुर शाहपुर पहुंचा। मुंदी के लाल बहादुर बस स्टैंड पर रात करीबन 1 बजे पार्थिव शरीर पहुंचा तो नगर की जनता ने एम्बुलेंस रुकवा कर नंदू भैया को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया। वही नंद कुमार सिंह चौहान जी की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए और नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। खंडवा में मेडिकल कॉलेज बने और खंडवा में मेडिकल कॉलेज बना। अब उस मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज है। उनकी ये सौगात जिला चिकित्सालय नवनिर्मित, उसका नाम भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ही रखा जाएगा। केला यहाँ के किसानों की जान है। कि ऐसी स्थिति में दिल्ली ले जाना संभव नहीं था। वेंटिलेटर पे जाने के बाद ले गए। दिल्ली में, देश में, विदेश में जहां से सलाह ले सकते थे लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। मुझे तो निमाड़ सुना सुना लगता है, शाहपुर सुना है, बुरहानपुर सुना है, खंडवा सुना है, नंदू भैया तुम्हारे बिना रेवा तट भी सुने हैं रे। तुमने श्रेवा माँ के पानी को कहां कहां पहुंचवा दिया। तुमने मुझसे जिद की थी पुनः शायद सिंचाई योजना की। नंदू भैया जिद करते गए और हम कोशिश करते गए कि कैसे निमाड़ में विकास की गंगा बहाएं। अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो सकता। अभी भी लगता है मुस्कुराते हुए नंदू भैया फिर आएंगे। वो हमारे दाएं हाथ भी थे, वो बाएं हाथ भी थे, वो दिल थे, अंतरात्मा थे। अभी भी हम दूर नहीं कर पा रहे उनको। रह रहे के उनकी सूरत याद आती है। कितने वर्षों का साथ। मैंने उनका पहला भाषण शाहपुर में सुना था जब कोई उपचुनाव थे। मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था उस समय। उनका भाषण सुना तो सुनते ही रह गया। वो जब बोलते थे दिल से तो दिल में ही बात उतर जाती थी। और ये नारा कोई आज का नहीं है, निवार की नहीं है, ये तब से मैं सुनता चला आ रहा हूं। सरल, सहज, मिलनसार, सबको प्यार करने वाले और सबसे प्यार पाने वाले। उनका कोई विरोध ही नहीं था, वजह शत्रु थे। इतनी जल्दी ये दुर्दिन देखना पड़ेगा। किसी कार्यालय में कार्यकर्ता के नाते भी कई बार आए, 6-6 बार प्रदेश महामंत्री रहे तब इस कार्यालय में वो बैठे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते इसी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के काम का संचालन उन्होंने किया। वो कार्यकर्ताओं के प्राण थे, सहज थे, सरल थे, और दिन और रात जनता की सेवा में जुटे रहने वाले जनसेवक थे। भारतीय जनता पार्टी
के काम को गांव-गांव तक विस्तार देने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। निमाड़ की जनता के दो दिल, निमाड़ की नैया नंदू भैया, आम जनता की जुबान पे नारा रहता था एक ऐसे जीवट कार्यकर्ता जिन्होंने हर दायित्व को निभाया। सामान्य कार्यकर्ता के नाते पद पर रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए, नगर परिषद अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ऐसी जनता की सेवा की कि भारतीय जनता पार्टी का माथा गर्व से हमेशा उन्नत रहता था। अपने ऐसे प्रिय कार्यकर्ता को खोने पर, अपने प्रिय नेता को खोने पर, जनसेवक को खोने पर हम सब दुखी हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है जिन्हें एक अत्यंत प्रतिभाशाली और लोकप्रिय नेता खोया है और अभी भी जिनसे बहुत उम्मीद पार्टी को भी थी, जनता को भी थी। आज हाँ अंतिम विदाई देते समय हम सब के दिल भरे हुए हैं। बस यही प्रार्थना है नंदू भैया बहुत याद आओगे, हो सके तो सब लोग आना, उनको श्रद्धांजलि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।